दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। एक लड़का जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था और इंजीनियर की डिग्री मिलते ही वह साधु जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी है अहमदाबाद के रहने वाले रमेश भाई पटेल के इकलौते बेटे दिशांत पटेल की। दोस्तों, दिशांत पटेल पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे और उसने गांधीनगर के धीरूभाई अंबानी संस्थान से बीटेक किया था। लेकिन दोस्तों, डिग्री लेने के तुरंत बाद उसने अपना घर छोड़ दिया और अहमदाबाद के भाड़ज इलाके में स्थित इस्कान मंदिर में साधु जीवन जीने लगे। दोस्तों, दिशांत पटेल के माँ बाप को इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है। बूढ़े माँ बाप ने किसी तरह से अपने बेटे की इंजीनियर की डिग्री पूरी करवाई और इन बूढ़े माँ बाप का दिशांत पटेल के अलावा किसी और का सहारा नहीं था और वो भी साधु जीवन जीने लगे। दोस्तों, दिशांत पटेल के पिता रमेश भाई पटेल दिशांत को बहुत समझाने की कोशिश किए, इनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़ी, लेकिन ये साधु जीवन छोड़ने को तैयार नहीं। बूढ़े माँ बाप मजबूर होकर पुलिस के पास भी गए। दिशांत पटेल भी वहाँ मौजूद थे। लोगों ने बहुत समझाया पर इनका एक ही जवाब रहा कि मैं मंदिर में बस सेवा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब इन्हें कौन बताए माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बहुत समझाया पर दिशांत पटेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका बस एक ही जवाब है कि मैं सिर्फ मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, दिशांत पटेल ने जो किया सही किया या गलत किया, आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सका वो जग की सेवा करके क्या करेगा। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।